दोस्तों, सपनों की दुनिया तो बहुत अजीब होती है और यह बेहद आकर्षक भी होती है और कई बार डराने वाली भी होती है। आप कई बार ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें आप चौंक कर जाग जाते हैं और दोबारा फिर सोना भी नहीं चाहते, परंतु कई बार आप अपने जीवन में ऐसे स्वप्न भी देखते हैं जिसमें आप खोए ही रहना चाहते हैं और आप उससे उठने के बाद भी 3-4 दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ऐसे सपने जो आपको आने पर यह संकेत दें कि आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं या बहुत सारे धन के मालिक होने वाले हैं या फिर आपके जीवन में खुशियां बरसने वाली हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 5 ऐसे सपने जो आपको आपके भविष्य में धनवान बनने का संकेत देते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सा है यह सपना, चलिए जान लेते हैं। इस सपने में सबसे पहले नंबर पर जो सपना आता है वह है गंगा की धारा को देखना। दोस्तों, ऐसा करोड़ों या लाखों में एक ही व्यक्ति को सपना आता है जिसमें वह यह देखता है कि वह गंगा की धारा को बहता हुआ देख रहा है। अगर ऐसा सपना आता है तो आपको यह किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और आपको समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उचित कार्य को करते रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर का जो सपना है वह यह है कि आपको सपने में बहुत हरियाली दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं दूर दराज में बहुत सारी हरियाली या हरे भरे पेड़, खिलते फूल इत्यादि सपने में दिखाई देते हैं, तो आप यह मान लीजिए कि आपको आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त होने वाली है और आप अमीर बनने वाले हैं। तीसरे नंबर पर जो सपना आता है दोस्तों, वो यह है कि कहीं दूर अगर आपको पहाड़ से गिरता हुआ झरना दिखाई दे या आपको ऊंचे पर्वतों के बीच कोई झरना दिखाई दे, तो यह भी काफ़ी शुभ और असंभव सा दिखने वाला सपना माना जाता है। दोस्तों, ऐसे सपनों में अगर आप उस झरने का पानी पी लेते हैं तो यह सोने पर सुहागा वाली जैसी बात हो जाती है, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने में बिल्कुल भी देर नहीं करने वाली है। परंतु यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ दोस्तों, ऐसे सपने बेहद कम ही देखने को मिलते हैं और अगर आपका निजी अनुभव रहा हो तो आपने भी यह महसूस किया होगा कि ऐसे सपने शायद ही कभी किसी को आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह सपना आता है तो आप यह मान लें कि आप बहुत लकी हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर जिस सपने की हम बात करेंगे वह सपना ज़्यादातर पवित्र हृदय वाले लोगों को ही आता है। जैसे कि अगर आपको सपने में भगवान या ईश्वर दिखाई देते हैं या आपके आराध्य देव अगर आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो आप यह मान लें कि आपका आने वाला समय खुशियों से भरा है और आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको जल्द ही सफलता प्राप्त होगी और आप अमीर या धनवान बनेंगे। दोस्तों, इसके साथ भी आपके यश और मान में भी बढ़ोतरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन एवं हृदय में पवित्रता बनाए रखें। दोस्तों, 5वां और आखिरी सपना जो है वो यह है कि अगर आप सपने में अपने माता पिता को एक साथ देखते हैं और अगर वह आपको भोजन इत्यादि करवा रहे हैं या फिर आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो आप यह मान लीजिए कि भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर बरस रही है और आप निकट भविष्य में बहुत ही यशस्वी बनेंगे और धन इत्यादि प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यही था यह 5 सपनों का जो बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने निजी अनुभव जरूर लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।